हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स। बात करने वाले हैं सारे लेरू निक्का बेरू वर्सेस आला वैकुंठ द पोलामालू को लेकर। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग जानते हैं सारे मूवीज़ का लेटेस्ट अपडेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल में मिलता है। तो पहले बात करते हैं सारे लेरू निक्का बेरू को लेकर। इस मूवी का बजट है 100 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है महेश बाबू सर। हाँ दोस्तों, फर्स्ट डे में ग्रैंड ओपनिंग लिया, जिसके वजह से इस मूवी ने अभी तक एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। इस मूवी का जो सेकंड जगह कलेक्शन है वो यूएसए से है 3 करोड़, तेलुगु हिस्से से है 20 करोड़, ओवरसीज मार्केट से कमा लिया है 6 करोड़, जहां पर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है 30 करोड़। अगर बात किया जाए इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन का, टोटल वर्ल्ड वाइड में इस मूवी ने 90 करोड़ कमाए, जो एक शानदार कलेक्शन है, एक बढ़िया कलेक्शन है। हाँ दर्शकों, 100 करोड़ बजट वाली मूवी अगर 2 डेज में ही 90 करोड़ कमा ले तो ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी का आवाज़ है। हाँ दोस्तों, बहुत जल्द इस मूवी को ब्लॉकबस्टर मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं आला वैकुंठ द पोलामालू को लेकर। इस मूवी का बजट है 60 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन सर। दर्शकों ने मूवी को बहुत पसंद किया है, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिला है, जिसके वजह से मूवी ने फर्स्ट डे में एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। इस मूवी का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो यूएसए से है 3 करोड़, तेलुगु हिस्से से है 25 करोड़, ओवरसीज मार्केट से कमा लिया है 1 करोड़, जहां पर टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी ने कमा लिया है 38 करोड़ रुपीज़। हाँ दोस्तों, तो ये मूवी एक शानदार ओपनिंग लिया है, ग्रैंड ओपनिंग लिया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सारे लेरू निक्का बेरू या आला वैकुंठ द पोलामालू, इन दोनों मूवीज़ में कौन सा मूवी आप लोग को ज़्यादा पसंद आए। अगर आप लोग तेलुगु हिस्से से है, महेश बाबू या अल्लू अर्जुन का फैन है, तो उनका मूवीज़ का लेटेस्ट अपडेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।